दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये आर्टिकल आया है मई 31 आज, और ये ग्लोबल मेल एक न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर, इस पर आया है। ये सारी दुनिया को मालूम है कि इमिग्रेंट्स स्पेशली जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इस एरिया से आते हैं, सबको एक होती है आज कि हमें जॉब ऑफ़र मिल जाए। जॉब ऑफ़र से वो वर्क परमिट भी ले सकते हैं और जॉब ऑफ़र से वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल में अपने पॉइंट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत पसंदीदा लोगों का सवाल रहा है मेरे से स्पेशली कि मेरे को जॉब ऑफ़र आप दिला दो, जितना भी खर्चा हो हम दे देंगे। और कुछ मार्केट्स में, जो वैंकूवर का मार्केट है, सरी मार्केट है, वहाँ पर कुछ लोगों ने ये एक व्यापार भी बनाया हुआ है कि पैसे दो जॉब लो। और इसके बारे में ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है कि कितना पैसा चलता है, कौन पैसा लेता है, नहीं लेता वगैरह वगैरह, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अखबार में ये फुल फ्लेज आर्टिकल आना एक नई बात है। पहले थोड़ा थोड़ा एक सस्पिशियली आता था कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अब ये फुल फ्लेज अखबार में आ गया है। और ग्लोबल मेल ऊपर एक रेफरेंस भी बना हुआ है, globalmail.com पे भी जाके आप इस आर्टिकल को फुल पढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या क्या और चीज़ें लिखी हैं इस आर्टिकल में, एंड वी विल गो एंड जस्ट चेक इट आउट क्या लिखा है। और इसमें सबवे की एक रेस्टोरेंट की बना दी है उन्होंने तस्वीर, और इसमें लिखा है, पहले ही लिखा हुआ है, अ फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट सेड ही वाज सेंट टू दिस सबवे रेस्टोरेंट इन चिरीवैक बीसी बाय एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हु सेड ही कुड हैव द जॉब देयर इफ ही पेड $8,000 इन कैश। $8,000 अगर देते हो तो ये आपको जॉब सबवे की मिल सकती है, किसी ने कहा है। और देखते हैं और इसमें क्या बारीकियाँ निकली हुई हैं। आर्टिकल तो काफ़ी लंबा है, इसमें कम से कम 11 पेज का है, लेकिन मैं इसकी जो सुर्खियाँ वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अप टू $20,000 ग्लोबल मेल इन्वेस्टिगेशन पब्लिश के 45 रिक्रूटर्स इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एक्यूज्ड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मोर देन 2,000 पीपल बाय चार्जिंग देम टेंस एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स फॉर जॉब। ये भी आर्टिकल आपका सामने ही आ रहा है। और दे आर पेड कैश ट्रांजैक्शंस इलीगल एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू ट्रेस, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है इसका, आप ये देख सकते हैं। और ग्लोब ने 3 दर्जन लोगों का इंटरव्यू किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी, और उनके पास देखें कुछ इसमें नाम वगैरह भी दिए हुए हैं इन्होंने, उसका देखते हैं कि क्या है। और रेस्टोरेंट ओनर वाज टेल्ड ईच फॉरेन वर्कर वाज चार्ज $12,000 फॉर अरेंजमेंट, सबवे ओनर्स को कोई किकबैक मिलती है, स्प्लिट लाइक 50%, और ऐसा हो रहा है। और देखते हैं क्या है, फॉरेन नेशनल सेड दैट दे पेड कंसल्टेंट्स एज मच एज $40,000 फॉर अ पोजीशन इन रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन, रिटेल और कन्वीनियंस स्टोर, देख रहे हैं आप। ओके, और मैं बताता हूँ आपको क्या है थोड़ा सा। शिवदेव परमार का नाम दिया है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट बता रहे हैं कि हाँ सीरियस इम्प्लीकेशन। ये हैरी बेंस जो बीसी के मिनिस्टर ऑफ लेबर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर हैरी बेंस, ऑलराइट, सो सिनेरियोज आर रैम्पेंट, और ये सब हो रहा है। अमृतपाल सिंह, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अमृतपाल सिंह अ फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट टोरंटो सेड मेनी फ्रेंड्स हैव फॉलन इनटू ट्रैप शेयरिंग आउट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है और आप देख सकते हैं। अमृतपाल सिंह का कहना है कि दे आर स्टक देयर बिकॉज द ओनर्स ऑफ रेस्टोरेंट दे ऑल्सो प्रॉमिस इफ दे वर्क देयर वी कैन हेल्प आउट विद इमिग्रेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्किल वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है विद द बैकिंग ऑफ एम्प्लॉयर, इवन इफ दे डिड नॉट डू द वर्क ऑन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स टूवर्ड्स PR, जो मैंने कहा था जॉब ऑफर चाहिए होता है, दे कैन डू दैट थ्रू फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एंड द PNP सिस्टम दैट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर गिवन लिटिल और नो एम्प्लॉयज आर गिवन लिटिल और नो वर्क, देखें आप जॉब होता नहीं है, पैसे ले लेते हैं और they cash their paychecks then they give the money back to the employer and use the fake job experience to count towards PR. They often survive by working at other precarious jobs for cash under the table. देखो सारी दुनिया को मालूम है, क्योंकि एक्चुअली कई बार मेरे से भी लोग जब कहते हैं कि मेरे को जॉब दिला दो, सर जी जॉब करना थोड़ी है, बस कागज़ पे शो करना है, बोलो कितने पैसे चाहिए। और ये धंधा पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, और जब तक इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि इलीगल चल रहा है, कैश में ट्रांजैक्शन है, कौन किसको कहाँ दे गया किसी को मालूम नहीं है। और जो जो वर्कर्स हैं जब तक वो कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक ये किसी को
वो आपको पेनलाइज कैसे करेंगे, आपको एम्प्लॉयर को कैसे पकड़ेंगे, एजेंट्स को कैसे पकड़ेंगे, कोई कोई कंप्लेन करने आता नहीं, वो कहते हैं भाई छोड़ो जी मेरा तो हो गया, हम तो पीआर लेके अपने पास से हो जाएंगे, हमें क्या करना है इस चक्करों में पड़ने के लिए। और देखते हैं क्या है इसमें, इसमें काफ़ी सारे और इसमें फ़ोटो भी बनी है, कौन से उसकी बनी है, दी ओनर, लेट मी सी दिस, एक बर्गर किंग की फ़ोटो बनाई हुई है SREBC में, कि ओनर ऑफ द बर्गर किंग इन SREBC के सेड ही गेट्स कॉल्स एवरी वीक फ्रॉम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफरिंग टू पे एम कैश इफ ही प्रोवाइड्स जॉब्स फॉर द क्लाइंट्स। ऐसे ऐसे तो कॉल्स आ रहे हैं सबको। गुरिंदर पाल सिंह, गुरिंदर पाल सिंह कह रहे हैं कि फाउंडेड द यूथ ग्रुप इन विक्टोरिया, सेज यू नो सेवरल इंटरनेशनल ग्रेजुएट, देन एंडेड अप मर्सी ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। सबको 27 पे रोल रिकॉर्ड्स, 25 एन आवर इसको शो करना था। मिस्टर सिंह ही एक्चुअली वो 70 आवर्स सेम पे एंड गिव हिज एम्प्लॉयर्स कैश बैक टू कवर हिज पे रोल टैक्स। ये गलत है बॉस, ये एम्प्लॉयर को वापस पैसे देने अपने पे चेक से कि भी तुम मेरा टैक्स पे कर देना इसी से निकाल के, ये सब धोखा है, ये गलत है, ये अनफेयर है सारा ये, लेकिन सब हो रहा है, कोई कंप्लेन करने को तैयार नहीं है। और सब में से अब देखो इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं सारे, कोई चाइनीज़ नेम नहीं है, कोई फिलिपिनो नहीं है, सब इंडियन नेम्स ही आ रहे हैं। बट बड़े मज़े की बात है कि और कोई विक्टिम इनको मिला ही नहीं, इसमें सब इंडियंस ही ज़्यादा, 90% ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये सब सब काम हो रहा है। एवरी वन इज़ पेइंग मोर, 25 to 30,000 डॉलर्स, एंड वी आर डूइंग अ फेवर बाय गिविंग यू पेपर्स, ही सेड। ये देखो ये ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेवर है, पैसे लिए तो क्या हुआ, हम तो आपको पेपर वर्क भी तो दे रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी अखबार में है, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या सोच रहे हो आप करने के लिए, आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेडार पे आ चुका है, और बहुत जल्दी कोई ना कोई ये ऐसा कुछ ना कोई धरपकड़ होने वाली है कोई, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता था आपको, साफ साफ लिखा हुआ कितने पैसे चल रहे हैं, कौन कौन अप्लाई कर रहा है, कुछ नाम भी दिए हुए हैं कौन कौन से कंपनीज वगैरह इन्वॉल्व थे। तो अब आप देखें, द ग्लोब आज फेडरल इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम मिस्टर एम्प्लॉयज टेकिंग कैश एंड पेइंग C2RC। ये जो सर्विस कैनेडा है जो ये करती है LMIE वगैरह काम करती है, जॉब फॉर वैलिडेट करती है, इन्होंने केसेस को RCMP और CBSA को भेजा है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इमिग्रेशन कंसर्न मैच फेडरल गवर्नमेंट शुड डू मोर अबाउट बिगेस्ट ऑप्शन एक्सप्लेन रियलिटी ऑल पार्टीज गवर्नमेंट वांट्स टू इफेक्टिवली इज ऑन द डील। सो ये ग्लोबल मेल में ये आज रिपोर्ट छपी है, इसको आप टाइप करके, अपने आप टाइप करके ये देख सकते हैं। इसके बारे में एक और आज आज ही अपडेट आया है कि सरकार ने, अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, जैसे फाइनेंशियल अब्यूज़ है और भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एज अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर, तो अगर आप कंप्लेन करेंगे, आपके पास एविडेंस है, तो सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी, और जब तक वो आपके कंप्लेन पे वर्क करती है तो आपको ओपन वर्क परमिट देगी। उसके बारे में भी एक आज अपडेट आई, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आर्टिकल आया है CBC न्यूज़ पे, और ये भी आज ही इशू हुआ है, फियर नो मोर, डरो मत, लिबरल गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू हेल्प फॉरेन वर्कर्स न्यू कमर्स एस्केप अब्यूज़। मिनिस्टर साहब की फ़ोटो है और इसमें लिखा हुआ है सारा कि अगर आपके अब्यूज़ होता है, ये देखिए, व्हेन एन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर ओपन वर्क परमिट ऑन ग्राउंड्स ऑफ अब्यूज़, तो कंप्लाइंस इंस्पेक्शन होगा, और कई एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फ़ाइन भी किया है और पेनल्टी लगाई है, और आपको ये एक ओपन वर्क परमिट देंगे। और मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कहाँ लिखा है, नीचे है इसका कहीं, एक्चुअली ये कुछ और चीज़ है, लेकिन स्पाउस, ये तीन तीन उन्होंने करे हैं एक्चुअली। अगर आप विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी फ्री TRP ले सकते हैं आपको, और जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर हैं जो अब्यूज़ हो रहे हैं उनको भी ओपन वर्क परमिट देंगे। इनफैक्ट एक और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि अगर आपने कोई, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड थे, उनके वो भी 2-year पायलट प्रोग्राम है ये, तो उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते थे। पहले तो होता था आप उनको स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते, तो अब वो उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, तो वो एक एक नया नया ऑप्शन इन्होंने आज किया है। ये है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे है, और इसको आप देख सकते हैं कि ये भी आज ही रिलीज़ हुआ, सब इकट्ठे आज रिलीज़ हुए हैं। और जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ओपन वर्क परमिट देगी। अगर आपके पास कोई
ऐसा एविडेंस है, अब्यूज़ अगर हुआ है आपके साथ, तो आप उन कंप्लेन करके आप अपना एक ओपन वर्क परमिट आप कर सकते हैं। ये देखो, हु हैव एन एम्प्लॉय स्पेसिफिक परमिट एंड अब्यूसिव जॉब सिचुएशन कैन विल अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट। दिस विल अलाउ माइग्रेंट वर्कर्स टू लीव दैट एम्प्लॉय इमिजिएटली, मेंटेन द स्टेटस एंड फाइंड अनदर जॉब। सो ये भी आप ये अभी भी कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन फॉलो द प्रोसीजर राइट हियर ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट ऑन May 31st। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर जी। अपना जरूर कमेंट दें अगर आपके पास कोई ऐसा कोई ऑफर वगैरह चल रहा है, LMIA का कोई ले रहा है दे रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, या जो कोई भी आपके कमेंट्स हैं जरूर टाइप करें। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, चाहे अच्छे हों बुरे हों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।